अलहमदिल् रबीन वसलासलमसमिन वब अजम अमाबाद जिस मौजू पर बात करनी है वह है माह शाबान की शर हैसियत। इस मौजू के तहत हम तीन हिस्सों में बात करेंगे सबसे पहले देखेंगे कि माह शाबान की फजीलत क्या है और उसके बाद देखेंगे कि माह शाबान की ख़ास इबादत क्या है इबादतें तो हम हर दिन करते हैं पूरी ज़िंदगी करते हैं लेकिन स्पेशल ख़ास शाबान की कोई इबादत क्या हो सकती है और तीसरे नंबर पर हम देखेंगे कि इस महीने की मुरवजा बिदात क्या है जिनसे हमको बचना चाहिए तो ये तीन चीज़ें हैं फ़जाइल और इबादत और बिदात फजीलत की अगर हम बात करें तो माह शाबान की फजीलत में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बात वारिद है सिर्फ़ एक बात वरना जो गैर मुस्ंद रिवायात हैं उनको देखेंगे तो बहुत सारी बातें लोग पेश करते हैं लेकिन सही रवायात की रोशनी में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है जो हम ए, इस माह की फजीलत से जोड़ के बयान कर सकते हैं वो सना नसी की रवायत है हसन है सनद इसकी उसामा बिन जैद रज़ी लौन हदीस के रावी हैं कहते हैं कि कुल तो या रसोल्ला मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लह वम लम आरा का तस्म शाहरी मै फिक मिन शाहबान कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप शाबान के महीने में जितने रोजे रखते हैं उतने रोज़े आप किसी और माह में नहीं रखते क्या बात है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाहरुन युबई रजब व रमज़ान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ये ऐसा महीना है रजब और रमज़ान के बीच में रजब और रमज़ान के बीच में एक ऐसा महीना है जिसे लोग गाफिल लेते हैं जिसको लोग भूले रहते हैं वह शारन जबकि ये ऐसा माय है कि तुर्फ और फ़ी हिलाआमिलाबालमिन कि इसमें बंदों के आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं फोहिब आमली व अना साइम तो मैं चाहता हूँ कि जब मेरा अमल अल्लाह की बारगाह में पेश हो तो उस वक्त मैं रोज़े की हालत में हूँ यानी हमारा जो नाम अमाल पेश हो अल्लाह की बारगाह में उस नाम अमाल का जो इख्ताम जो आखिरी अमल है वो रोज़ा हो तो ये है इस महीने की फजीलत यानी इस महीने में सालाना बंदों के आमाल या कह लीजिए कि बंदों की इबादत की जो फ़ाइल है जो हमारी रिपोर्ट है वो अल्लाह ताला के यहाँ पेश की जाती है हमें इस दुनिया में एक ड्यूटी दी गई है वो अल्लाह ताला की इबादत है वमा जिन्न वल व माखलतजन्नऊल्स लाबन हमने इंसानों और जन्तों को सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया तो इस दुनिया में हम जी रहे हैं तो ये हमारी ड्यूटी है अल्लाह ताला की इबादत हमने ये ड्यूटी कितनी की इसकी रिपोर्ट बनाने के लिए फरिश्तों को हमारे साथ लगा दिया गया और ये फरिश्ते हमारे हमारी ड्यूटी की हमारी इबादत की पल पल की रिपोर्ट अल्लाह ताला को पहुंचाते हैं ये रिपोर्ट कई तरह की होती है हफ्ते में दो बार रिपोर्टिंग होती है उसके बाद में सालाना भी रिपोर्टिंग होती है तो ये जो यानी कई तरह से अल्लाह ताला की बारगाह में हमारे अमाल पहुंचाए जाते हैं शेख पहले बता रहे थे शेख अबुलमिया साहब वो आपको बता चुके हैं उसको मैं नहीं दोहराऊंगा लेकिन यह है कि सालाना जो हदीस मैंने आपके सामने पेश की है इसमें सालाना रिपोर्ट अल्लाह की बारगाह में पेश की जाती है तो रिपोर्ट का जो आखिरी हिस्सा होता है वो अच्छे अमल पे उसका अख्तितम होना चाहिए उसकी जो एंडिंग है वो ठीक होनी चाहिए और सही बुखारी कहती से इन मबल खुवा कि इंसान आखिरी अमल क्या करता है उसी का एतबार होता एक आदमी जिंदगी भर गलत काम कर रहा हो लेकिन अगर मरने से पहले सुधर गया तो उसका बेड़ा पार है यह नहीं देखा जाता कि अभी तक क्या कर रहा था उसकी जब मौत हुई है तब वो किस हालत में था तो अल्लाह की बारगाह में जब कोई रिपोर्ट पेश हो तो यह कोशिश करनी चाहिए कि इस वक्त जब हमारी रिपोर्ट पेश की जा रही इस वक्त हमारा हमारा स्टेटस क्या है हमारी इबादत में हमारा मैार क्या है हमारा मकाम क्या है हम कितनी इबादत अल्लाह ताला की कर रहे हैं देखिए एक तलब जो है घर शुरू में कुछ सुस्ती करे लेकिन ऐन इम्तिहान के वक्त अगर वो मेहनत कर ले तो उसी का एतबार होगा कि जब उससे इम्तिहान लिया जा रहा था जब उससे पूछा जा रहा था उस टाइम उसका स्टेटस क्या था उस टाइम वो किस हालत में था उससे पहले क्या कर रहा था उसका एतबार नहीं तो ऐसे जब हमारी हमारे अमाल की हमारी इबादत की रिपोर्टिंग की जाती है उस टाइम बहुत ही वो बहुत अहम टाइम होता है और हमें उस वक्त अपनी इबादत पर तोजो देना चाहिए तो ये इस महीने की फजीलत है कि इसमें सालाना रिपोर्ट अल्लाह की बारगाह में पेश की जाती है अच्छा अब इस महीने में हम कौन सी इबादत कर सकते हैं ये तो फजीलत की बात थी ये फजीलत की बात थी जो मैं आपके सामने पेश कर चुका अभी हम आगे बढ़ते हैं अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और बयान कर दूँ आपके सामने कुछ लोग कहते हैं कि योम अरफा को भी अमाल पेश आते हैं लेकिन ये साबित नहीं है सही आदि से जो साबित है वही कि रोज़ाना बंदों के अमाल पेश होते हैं फजर बाद और असर बाद और इसी तरह से हफ़्ते में भी पेशी होती है पीर जुमेरात को और इसी तरह से सालाना पेशी होती है ये शाबान में और जब आदमी मर जाता है तो पूरी फाइल एक साथ पेश की जाती है कि इसने पैदाइश से लेकर वफात तक क्या किया तो ये चार तरह से अमाल पेश किए जाते हैं इसमें अरफा भी कुछ लोग बयान करते हैं लेकिन वो दुरुस्त नहीं है अब आते हैं कि हम इस महीने की इस महीने की फजीलत हमने देख ली अब इस महीने में ख़ास इबादत क्या है जो हम कर सकते हैं ख़ास इबादत तो ख़ास इबादत जैसे फजीलत सिर्फ एक चीज़ है कि हमारे अमाल अल्लाह की बारगाह में पहुँचा जाते हैं ऐसे अगर हम इसमें ख़ास इबादत की बात करें तो वह भी सिर्फ एक है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और वो है रोज़ा माह शाबान में कसरत से रोज़े उसके अलावा कोई खसूसी इबादत इस महीने में ख़ास इस महीने में साबित नहीं है आम इबादतें तो हम करते रहेंगे जैसे हम हर दिन करते हैं वक्त की नमाज है जिक्र असकार है तिलावत तो है ये सब तो चलता रहेगा लेकिन ख़ास खास इस महीने को देखते हुए हम क्या कर सकते हैं ज्यादा से ज़्यादा नफली रोज़े बस इसके अलावा कोई भी स्पेशल इबादत ख़ास इबादत करना इस महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है सिर्फ रोज़े साबित है तो ये इस महीने की ख़ास इबादत है अच्छा देखिए इबादतों में बहुत सारी इबादत है ना जो साबित हैं आम दिनों में जैसे नमाज है ज़कात है हज है उमरा है सदका खैरात है ये सारी इबादतें लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े को तरजीह दिया कि ये जो सालाना पेशी हो रही है इस महीने में तो इस महीने में हम कौन सी इबादत को चूज़ करें जो ख़ास इजाफी इबादत वो रोज़ा है ऐसे नहीं कि नमाज सदका खैरा हज उम्र कुछ नहीं क्या रोज़ा तो रोज़े में एक ख़ास बात क्या है कि रोज़ा असल में सिर्फ एक इबादत नहीं है ये बहुत सारी इबादत का मजमु है ये इबादतों का एक पैकेज है जब आदमी रोज़ा रखता है तो सिर्फ रोज़ा नहीं रखता है वो झूठ नहीं बोलता है वो लड़ाई झगड़ा नहीं करता है रोजा रखता है तो सद का करता है रोजा रखता है तो इबादत पे भी ध्यान नमाज भी बड़े एहतमाम से पढ़ता है रोजा रखता है तो फिर कुरानी की तलावत भी करता है यानी ये बहुत सारी इबादतों को समेटी हुई है अपने अंदर इबादत तो रोजे को मामूली ना समझिए रोजा अपने आप में इबादतों का एक बहुत बड़ा पैकेज है इसलिए अगर कोई आदमी रोजे की आदत डाली हुई है तो सिर्फ ये ना देखे कि रोज़ा रख रहा है वो साथ में बहुत सारी इबादतें ली हुई है और वो भी अच्छे अंदाज से हसन अंदाज में उसमें हुस्न पैदा करती हुई। हम आम दिनों में नमाज पढ़ते हैं उसका एक मैार होता है उसकी एक क्वालिटी होती है लेकिन रमज़ान में जब नमाज पढ़ते हैं तो उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है हमारी तवज्जो बढ़ जाती है हमारा एहतमाम बढ़ जाता है उस पर हमारा ध्यान बढ़ जाता है तो नमाज वही है लेकिन रमजान में पढ़ने की वजह से यह कह लें कि खुशू और खुजू बढ़ जाता है तो ऐसे जब आदमी रोजे की हालत में होता है तो रोजे की हालत में जो वो इबादतें अंजाम देता है चाहे वो नमाज हो चाहे वो जिक्र अजकार हो चाहे वो तिलावत हो चाहे वो सदका खैरात हो तो उसमें भी खुशू खजू अखलास लिलाहत भया इबादतों को क्वालिटी मिल जाती है अगर रोजे की हालत में आदमी करता है तो खुद देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में सिर्फ रोजा ही नहीं रखते थे हर इबादत में इजाफा हो जाता था यानी रमजान जब आता था आदमी रोजा रखता है तो रोजा एक मोमिन को रोज़ेदार को रोज़ेदार के ईमान को उसके अमल को बूस्ट कर देता है यानी वो हर अमल की रफ्तार बढ़ा देता है उसके अखलास का वज़न बढ़ जाता है खुश व खुजू बढ़ जाता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखते थे रमज़ान में और रमजान में आप पूरा कुरान इस्लाम के साथ ख़त्म करते थे पूरा क़ुरान आप सदका खैरात करते थे तो इस तरह से रमज़ान में कि कोई भी दरवाजे पे आ गया सबको नवाजते चले गए तो हर मामले नमाज भी आप देखें आखिरी अशरा आता था रात रात भर के आप इबादत करते थे तो सिर्फ रोजा ही है रमज़ान में सिर्फ रोज़ा है रोज़ा आया तो उसने अपने साथ इबादतों का एक पूरा सिलसिला खड़ा कर दिया रोजे ने तो अगर हम शाबान के महीने में नफली रोजा रखेंगे तो कहने को तो ये है कि हम सिर्फ एक इबादत कर रहे हैं रोज़ा लेकिन ये अपने आप में बहुत सारी इबादतों को समेटे हुए है तो इसलिए हम शाबान में जब हमें रोज़ा रखना है तो ऐसा ना रहे कि रस्मी तौर पर हम सुबह जो है हमने खाना पीना बंद कर दिया और शाम को इफ्तार कर लिया हो गया हम यह समझे कि भाई शाबान की इबादत हमने अदा कर ली नहीं हम रोज़ा रख रहे हैं तो रोज़े की हालत में जो और इबादतों के जो तक़ाज़े हैं नमाज़ हम डेली पढ़ते हैं जिक्र अस्कार डेली करते हैं सदका खरा डेली करते हैं कुरान की तलावत डेली करते हैं तो हमारा जब हम कसरत से नफली रोज़ा रखें शाबान में तो इन इबादतों का भी हक अदा करें रोज़े का जो बेनिफिट मिलना चाहिए इन इबादतों को वो हम दें इन इबादतों को तो इस तरह से जब हमारा नाम आमाल यहाँ पे हमारी फाइल जब यहाँ पे क्लोज होगी कि एक आदमी शाबान में रोजे की हालत में था उसकी नमाज के अंदर भी क्वालिटी बढ़ गई है और ज़क़़त के अंदर भी जिक्र अस्कार के अंदर भी तलावत के अंदर भी तो एक बहुत अच्छा हमारा जो आखिरी हमारी फ़ाइल का जो आखिरी हिस्सा होगा जिसमें हमारी इबादतें दर्ज होंगी तो वो एक वज़नदार हिस्सा होगा हमारी इबादतों का इसलिए हमें शाबान में इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए इसीलिए अल्लाह के नबी सल्ला वसम ने फरमाया कि मैं पसंद करता हूँ कि जब मेरे आमाल अल्लाह की बारगाह में हों तो मैं तो रोजे की हालत में हो तो अगर हमारा खात्मा रोजे की हालत में होता है तो ये बहुत अच्छी बात होती है उस्मान बिन अफान रजी अल्लाह तु को जब शहीद किया गया तो आप देखिए कि किस कैफियत में थे वो उन पर कातिलाना हमला हुआ है उन पर कातिलाना हमला हुआ है जिसम लहूलहान है लेकिन वो रोजे की हालत में है वो उन्हें इस बात का एहसास है कि ये मेरा आखिरी वक्त आ गया है उन्हें इस बात का अंदेशा है कि ये अब आखिरी वक्त आया है लोगों ने जालिमों ने तो हमला कर दिया ये तो शहादत का वक्त और पहले भी अल्लाह के नबी सल्ला वसम उनके लिए पेशनगोई कर चुके थे कि स्मान रज़ी शहीद होंगे और वो अपने सामने देख रहे थे तो रोज़े की हालत में थे उस हालत को बरकरार रखा ऊस्मान रजी अल्लाह तोज़ा नहीं तोड़ा और रोज़े का असर ये हुआ कि रोज़ा भी हैं और कुरान की तलावत भी कर रहे हैं आपकी नमाज भी चालू है कुरान की तिलावत भी चालू है रोज़ा सिर्फ रोज़ा नहीं है रोज़े के साथ सारी इबादतों को समेटे हुए हैं और इसी हालत में अल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं आखिरी अमल उनका रोज़ा था और सारी इबादतें साथ में हैं तो ऐसे शाबान में भी हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जब हमारे अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश हों तो हम रोज़े की हालत में हों और हमारी सारी जो इबादतें हैं नमाज ज़िक्र अजकार उन सब पर इस इन नफली रोज़ों का फ़र्क दिखाई दे इन इन नफली रोज़ों का असर दिखाई दे जो दीगर इबादत हैं हमारी नमाज जिक्रज़ार तलात तो वगैरह उन सारी इबादतों पर हमारी इन नफली रोज़ों का असर दिखने को मिले तो ये मकसूद है यानी ये खास चीज़ है जो हम इस महीने में कर सकते हैं माह शाबान में कि रोज़ा रखें और उसका असर हमारी सारी दीगर इबादतों में देखने को मिले बस इतना ही मकसूद है इस महीने में इसके अलावा कोई और ख़ास इबादत ईजाद करना अपनी तरफ से उसकी कोई गुंजाइश नहीं है या दूसरी किसी इबादत जो गर्ज आम दिनों में साबित शुदा है लेकिन इधर ख़ास तौर से उसको खसूस के साथ जोड़ना खसूसियत के साथ इसको जोड़ना ये दुरुस्त है जिसे नफली नमाज है आप पढ़ सकते हैं लेकिन कोई कह कि नहीं हम शाबान में कुछ स्पेशल नफली नमाज पढ़ेंगे ख़ास शाबान की रियायत करती हुई तो ये चीज दुरुस्त नहीं है इसमें अगर किसी इबादत का आप ख़ास इजाफा कर सकते हैं तो वो क्या है वो रोज़े हैं उसके साथ जो नॉर्मल हम करते आ रहे हैं वो हम हर महीने जो कर रहे हैं इस महीने में भी हम करेंगे लेकिन हमारा फोकस होना चाहिए रोजे पे। जब रोजे की बात आई तो इसमें दो चीजें बतौर खास ध्यान में रहनी चाहिए पहली चीज यह कि घर शाबान के महीने में ज्यादा से ज्यादा नफली रोजे रखना यह मसनून है लेकिन इसके बावजूद भी हम इस महीने के तमाम दिनों का रोजा नहीं रख सकते ये खिलाफ समय इस महीने के अक्सर दिनों का रोजा हम रखें यह मसनून है लेकिन यह कि सारे महीने को हम ये देखें कि भाई इस महीने में रोज़ा रखना फजिलत की बात है अब पूरा शाबान हम रोजा रख लें नहीं इसकी गुंजाइश नहीं है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये चीज़ साबित नहीं है सही मुस्लिम की अम्मा है रवायतें अम्माइशा रजी फरमाती हैं कि मा मलिम तो इल्ला रमजान कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ान के अलावा किसी भी महीने का मुकम्मल रोज़ा रखते हुए नहीं देखा एक रवायत में है कि कान यसुमु शाबान कुल लहू ये कुल बोल के उसका अक्सर हिस्सा मुराद लिया गया कुल नहीं मुराद है जैसा कि दूसरी रवायत में ख़ुद आयशा रज़ी से ये वजाहत आ गई है और ऐसे ही सही मुस्लिम की एक बड़ी ही अहम रवायत है बड़ी प्यारी रवायत है वो सब हमको मालूम होना चाहिए असल में हम लोगों को जब कभी इबादत का जोश आता है तो फिर आदमी उसकी हदूद भूल जाता है जोश आना अच्छी बात है लेकिन अभी इसका मतलब नहीं कि इबादत का शौक़ आया तो अब रात भर हम नमाज पढ़ते रहें रात भर जो है कुछ करते रहें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखते थे कि बाद सहाबा के अंदर अंदर जज्बा पैदा होता था इबादत का तो कहते थे कि अब मैं रात भर नमाज ही पढ़ूंगा एक साहब कहते थे अब तो मैं शादी ही नहीं करूँगा अभी हमारे इसी सेंटर पर एक भाई साहब आए थे वो पता नहीं है कि नहीं यहाँ पर तो बहरहाल उन्होंने भी इरादा इराधा बनाया मैं शादी नहीं करूंगा तो ये जोश जब आता है कि मैं शादी नहीं करूँगा भाई इतना और तकवा मतलब ये कौन सा तकवा है कि मैं शादी नहीं करूंगा मैं रात रात भर इबादत करूँगा तो ये नहीं इसमें असल बात यह है कि नबी की इतबा जब साब कर राम ने जब यह कहा कि मैं रात भर नमाजें पढ़ूंगा किसी ने कहा मैं शादी नहीं करूँगा तो अल्लाह के नबी सल वसूल को बुला के कहा अना तो अख्शा तुम कि मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा मुतकी हूँ अल्लाह तला से डरने वाला हूँ लेकिन मैं खाता भी हूँ रोजे भी रखता हूँ शादी भी करता हूँ तो असल तकवा क्या है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतवा पैरवी असल तकवा ये है असल इबादत है आप अपनी मर्जी से बोलें कि नहीं जो चाहे आप करते फिरें ऐसा नहीं है ये असल इबादत नहीं है कि जो दिल में आया आए आप करते जाए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो चीज़ साबित है उतना ही करना है कभी हमारे बीच में एक जमात है जो दौड़ दौड़ के सबको इबादत की तरफ बुलाते हैं अच्छी बात है लेकिन वो अल्लम गलम कुछ भी पकड़ा देते हैं लो ये भी करो ये भी करो फला करो धमाका करो और इतना घमंड अपने आप को कि हम बहुत बड़े वल्ला है बड़े बड़े बहुत बड़े मुतकी हैं बहुत बड़े परहेजगार हैं वो दूसरों को तो अपने पाँव की धूल समझते हैं हती कि वलमा तक की मतलब कोई क़दर नहीं तक की कोई कदर नहीं इतना घमंड वो भी जाली इबादतों पर मतलब मनघणत इबादतें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है तो ये जो मतलब झोरा झोंडी लेकर दौड़ते रहते हैं ना गांव गांव करिया करिया तब्लीग करने के लिए ये लोग मतलब जो चाहते हैं कुछ भी इबादत करो और इतना घमंड अपनी इबादतों पर एक तो जाली डुप्लीकेट इबादत है जाली और दूसरा उस पर घमंड और तीसरा उलमा को मतलब पाँव की धूल समझना ये नहीं दूसरी जमात की बात अपने ही जमात के उलमा की, की कोई गर नहीं बस समझते बस नबी के बाद हमारे ही दर्जा आते इतना घमंड उनके अंदर आ जाता है हुँ? अब कोई अहले तोहद में से है कुरान और हदीस की पैरवी करने वाला है जैसे मैं ये बात कर ये बात करने वाला है तो आमतौर तो से हमारे यहाँ एक कमी होती है इबादतों में कमजोरी होती है एक प्लस पॉइंट है हमारे यहाँ कि, कि हम अपनी तरह से इबादतें नहीं बनाते हैं। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया वही करते हैं लेकिन एक कमजोरी हमारे यहाँ देखने में आती है कि जो साबित है उसको भी तो उसमें भी तो हम कमज़ोर रहते हैं उस पर अमल करने में अमल की कमजोरी होती है ये लोग जब कभी हमारे हमसे टकरा जाएंगे गलती से तो इनको पता है कि इनकी कमज़ोरी क्या है अगर इनको समझाओ कि ये बिदत है ये गलत है मत करो तो क्या केंगे? कहेंगे कहेंगे ठीक है जो साबित है वो तो करो तुम लोग तो भी नहीं कर रहे तो देखिए इसमें बरकत नहीं होती ये ये असल तकवा नहीं है अगर इनको आपको चेक करना हो ना तो मैं आपको ज़ाबता देता हूँ आप इसे चेक कर सकते हैं कि कितने पानी में इनका तकवा ये जो आते हैं आपके सामने तबलीग करने के लिए समझाने के लिए ना आप इनकी बात सुनो पाँच मिनट बैठ के इतना से जब वो कह चुके हैं ना तो उनसे एक सवाल करो कि भाई आपने अपने अब्बा की जायदाद में अपनी बहन को हिस्सा दिया है अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कितना तकवा इनके अंदर है समझ रहे हैं तो जहाँ माल का मसला आता है ना वो सब तकवा निकल के सामने आ जाता है यार आदमी अगर मुतकी है तो हर मामले में मुतकी होना चाहिए ना ये कौन सी तेरी नमाज है जो तो अपनी बहन का हिस्सा हड़प करके रखा और कहता है कि मैं तब्लीग करता हूँ कह रहा कि मैं नमाज पढ़ता हूँ रोजे रखता हूँ भाई नमाज तो बुराइयों से रोकती है ना कौन सी नमाज तू पढ़ रहा है कि दूसरे की प्रॉपर्टी का दूसरे के माल हड़प करके बैठा हुआ है तो ये लोग अगर समझाने तो पूछो बरकत नहीं है ऊपर तो से घमंड तो उसका रिजल्ट हमारे सामने आदमी के अंदर तकवा तो हर जगह तकवा आता है नमाज भी उसकी अच्छी होती है इबादत भी उसकी अच्छी होती है माली मामला ये कोई तकवा नहीं है कि माथे पे नमाज के निशान हो और करोड़ों हलब करके बैठा हुआ इसकी ये नमाज जो पढ़ रहा न, उठा के अल्लाह दूसरे को दे देगा क्या मतलब तो कहने का मतलब ये है कि हम आ, शाबान में वही करें जो साबित है अपनी तरफ से इसमें कोई इजाफा ना करें तो ये चीज जहन में रहे कि हम मुकम्मल हम ये सोचें कि यार

अम्मा आयशा रज़ी फरमाती हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी नहीं देखा कि आप अलैहि वसल्लम ने एक रात में पूरा कुरान ख़त्म कर दिया हो और आज ये बुज़ुर्ग लोग जिनके अभी मैं बात कर रहा था कैसे कैसे अपने बुज़ुर्गों की किस्से सुनाते कि फ़ला साहब एक ही रात में कितनी बार कुरान खत्म कर रहे थे है चालीस बार कुरान ख़त्म कर रहे हैं ये क्या भाई ये इतवा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर एक रात में कुरान खत्म नहीं किया तो आप कैसे कर रहे हैं अच्छा मैं आपको ये भी वाजे कर दूँ कि सहाबा रज़ी अल्लाह से रवायतें मिलती हैं कि वो एक रात में पूरा कुरान खत्म करते थे लेकिन इनमें से कोई रवायत हमारे मुताले में सही सनद से साबित नहीं इस पर मेरा एक मजमून आर्टिकल भी है जो हमारी मैगजीन में छप चुका है कि कोई भी रवायत सही सनद से साबित नहीं है कि किसी सहाबी ने एक ही रात में पूरा कुरान पढ़ लिया हो और ये तो मैं सही मुस्लिम की हदीस आपके सामने पढ़ रहा हूं ये तो सही मुस्लिम की हदीस है कि अम्मा आयशा रजाना फरमाती है कि मुझे नहीं पता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी भी रात में पूरा कुरान खत्म किया हो और आगे है सल्ला वही लोभ और ना मुझे ये पता है कि कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी हो यानी ईशा के बाद से लेकर फजर की नमाज तक यानी फुल रात पूरी रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी हो नहीं पता यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को जागते भी थे सोते भी थे नमाज भी पढ़ते थे यानी कि पूरी रात नमाज पढ़ते रहे और आगे है वला, शहरन का मिलन रमजान और रमज़ान के अलावा किसी भी महीने का मुकम्मल रोज़ा नहीं रख इसलिए हमें शाबान के मुकम्मल रोज़े नहीं रखने हैं हाँ इसके अक्सर दिनों में हमें रोजा रखना चाहिए ये एक बात है रम शाबान के रोजों से ये एक बात है कि अक्सर दिनों का रोजा रखना है कोशिश करनी है जितना भी रख सके आदमी हमें नहीं कहते कि हर आदमी अक्सर दिनों ही का रोजा रखे जितना अल्लाह की अल्लाह तोफी उतना रखे लेकिन पूरा शाबान नहीं दूसरी बात यह है कि शाबान के रोजों के लिए वो किसी भी दिन को चूज कर सकता है शाबान का के शुरू का जो अशरा है दरमियान का जो अशरा है आखिर का अशरा है वो कभी भी रख सकता है ऐसा नहीं कि इब्तदा में रखे या बीच में रखे कभी भी, भी रख सकता है लेकिन एक पाबंदी लगाई गई है कि उसके जो आखिरी के दो दिन हैं, उसमें रोजा नहीं रखना है इसके बाद रमजान आने वाला ना तो रमजान से दो दिन पहले उसको स्टॉप कर देना है अपनी अपने रोजे रोजे का सिलसिला रोक देना उसको इसके बारे में बड़ी ही वाज हदीस है आ, सही बुखारी की अबू अब हुररा से मरवी है कहते हैं कि अल्लाह के रसूल हु हु ने फरमाया कि तुम में से कोई भी आदमी रमजान से एक दिन पहले या दो दिन पहले रोजा ना रखे तो अगर हम शाबान में रोजे रख रहे हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए कि शाबान के एक दो दिन जो लास्ट के हैं उसको छोड़कर जो शुरू के दिन हमको मिल रहे हैं उसमें हम आजाद हैं जितने चाहे रोजे रखें लेकिन जब आखिर के दिनों में हम पहुंच जाए एक दो दिन बचे र, रमजान में तो वहां पर हमें रोजों का सिलसिला रोक देना है अलबत्ता इस पाबंदी में भी एक्सेप्शन है कुछ लोगों के लिए उनके लिए जो जिनकी आम रूटीन हो हर महीने का यह मामूल हो कि वो चंद खास दिनों के रोजे रखते हैं जैसे पीर और जुमेरात का रोजा रखना यह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है अब अगर किसी शख्स ने कोई शख्स हर हफ्ते पीर का रोजा रखता है हर हफ्ते पीर जुमेरात का रोजा रखता है हर हफ्ते अब इत्तेफाक से शाबान में रमजान से पहले का जो एक दिन था यानी शाबान का जो आखिरी दिन था वो पीर का वो पीर का दिन था और ये बंदा हर महीने पीर का रोजा रख रहा है तो चूंकि हर महीने उसकी एक रूटीन एक एक आदत उसकी बनी हुई है तो इसके लिए एक्सेप्शन है कि भाई ये अपनी उस इबादत को कंटिन्यू कर सकता है यानी शाबान में घर से इसके बाद जस्ट रमजान आ रहा है ये शाबान के आखिरी दिन का भी रोजा रख रहा रख सकता है लेकिन वो शख्स जो कभी रोजे नहीं रखता ऐसी कोई आदत नहीं अपना के रखा तो वो रमजान के एक दो दिन पहले रोजे नहीं रख सकता ठीक है थीके? तो ये चीज भी हमें ध्यान में रखनी है एक और चीज साथ में वाजे कर दूं मैं आपके सामने शाबान के ताल्लुक से कुछ लोगों ने शाबान के महीने में पंद्रह जो तारीख है पंद्रह तारीख का जो रोजा है उसकी खसूस फजलत बयान कर रखी देखिए अगर एक आदमी शाबान के अक्सर दिनों का रोजा रखना चाहता है उसमें पंद्रह भी आ रहा है, तो कोई मसला नहीं हुँ? भाई वो चाहता है कि मैं बीस दिन रोजा रखू शाबान के तो इन बीस दिनों में पंद्रह भी आएगा रखे कौन मना कर रहा है उसको लेकिन यह कहना कि शाबान की जो पंद्रह तारीख है इस पंद्रह तारीख की ख़ुसूसी फजीलत है इसमें रोज़ा रखने की या इस रात में इबादत करने की तो ये चीज़ दुरुस्त नहीं है इस ताल्लुक से एक रिवायत है सोना निबन माजा में लेकिन वो रिवायत सही नहीं है उसमें है पंद्रहवीं तारीख की रात में इबादत करने का और दिन में रोजा रखना है सोमो ले लहा वो कमो ले लहा वह सोमो नहा जैसे कुछ अल्फाज है कि पंद्रह शाबान जब आ जाए तो इसकी रात में क्याम करो और इसके दिन में रोजा रखो लेकिन ये हदीस सही नहीं है बाज मुहाद्दसिन ने तो उसको मौजू और मन गड़त का एक फेब्रिकेटेड रवायत है झूठी रवायत है बाद ने जयीफ कहा बाज ने इस पर मौजू होने का हुक्म लगाया तो ये रवायत सही नहीं है कोई भी उसका दर्जा हो लेकिन ये रवायत सही नहीं इस पर अमल नहीं किया जा सकता हाँ जो आम हदीस मैंने आपके सामने रखी है कि इस महीने के अक्सर दिनों का रोज़ा रखना ये मसनून है तो उसमें अगर पंद्रह भी आ रहा है तो कोई मसला नहीं लेकिन ख़ास पंद्रह ही को लेके बैठना और ये अकीदा बना के बैठना कि वो हदीस को सामने रखती हुई उसको खास लेके बैठ जाना उसी दिन रोज़ा रखना ये ठीक नहीं है ये दुरुस्त नहीं है अच्छा यहाँ पे सही मुस्लिम की एक हदीस है उसकी भी मैं वजाहत कर दूँ सही मुस्लिम की एक हदीस को भी कुछ लोग पेश करते हैं और ये कहते हैं कि देखो इससे भी पंद्रह शाबान का रोज़ा रखना साबित होता है खसूस तौर पर वो हदीस इस तरह है कि इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बाद रवायत में कि उन्हीं से कहा बाद बादत में किसी और से कहा कहा कि असम तमिन सर शाबान कि क्या तुमने शाबान के आखिरी दिनों का रोजा रखा है कहा कि क्या तुमने शाबान के आखिरी दिनों का रोजा रखा है तो उन्होंने कहा नहीं तो कहा फायदा अफतर था ठीक है जब ये रमजान गुजर जाएगा फसुम योमिन तो दो दिन का रोजा रख लेना तो कहते हैं यहां जो शाबान के रोजों का जिक्र है उससे मुराद क्या है पंद्रह तारीख मुराद है लेकिन ये पंद्रह तारीख नहीं मुराद है यह शाबान के आखिरी दिन मुराद है यानी शाबान के आखिरी दिन नहीं कोई साहबी थे यानी रवायत का स्याक ये बताता है कि कोई साहबी थे जो महीने के आखिरी दिनों का रोज़ा रखते थे लेकिन शाबान में चूंकि अल्लाह के नबी वसल्लम ने मना फरमा दिया था कि शाबान के आखिरी दिनों का रोजा नहीं रखना है यानी रमजान से एक दो दिन पहले रोजा नहीं रखना है तो इन्होंने शाबान के महीने में वो आखिरी दिनों का जो रोजा रखते थे ना उसको बंद कर दिया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि भाई आपने रोजा रखा शाबान के आखिरी दिनों कहा नहीं रखा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब रमज़ान गुजर जाएगा तब रख लेना तो ये पूरी रिवायत पर आप गौर करें तो इसका मतलब ये है कि ये बीच वाला रमजान बीच वाला रोजा शाबान के बीच वाला रोज़ा नहीं था अगर बीच वाला रोजा मिस हुआ होता तो क्या कहते अभी तो पंद्रह दिन बचा है ना तो कहते कल रख लो परसों रख लो नसों रख लो लेकिन नबी क्या फरमा रहे रमजान के बाद रख लेना इसका मतलब अब शाहबहान बचा नहीं है तो ये पंद्रह तारीख नहीं मुराद क्योंकि नबी क्या कह रहे हैं रमजान के बाद रख लेना मिस हो गया ना तो रमजान के बाद रख लेना अगर पंद्रह तारीख का रोजा मिस हुआ होता उन से तो नबी क्या कहते कि अभी पंद्रह दिन बचा है आधा महीना बचा हुआ क्यों छोड़ दिया तुमने रख लो तो ये जहन में रखिए कि इस हदीस का भी पंद्रह तारीख से पंद्रह शाबान से कोई ताल्लुक नहीं सदी का ना पंद्रह शाबान वहाँ लिखा हुआ ख्या उसका एक मतलब निकाल लेते पंद्रह अपनी तरफ से ना पंद्रह शाबान नहीं लिखा हुआ है अरबी में पंद्रह शाबान नहीं है तो शाबान के आखिरी अयाम ही मुराद हैं स्याक सबाक हर लिहाज से वही वाजे होता है इसके ताल्लु से मैं तफसील से एक किसी और मौके से आपके सामने बयान कर चुका हूँ वो नेट पर है वो वीडियो आप देख सकते हैं तो ये हम बात कर रहे थे अपने मौजू के दूसरे हिस्से को लेकर कि इस महीने में हम खसूसी तौर पर क्या कर सकते हैं खुलासा ये है कि रोज़ा रख सकते हैं और रोज़ा रखते हुए हमें किन चीज़ों का ध्यान देना वो मैं आपके सामने बता चुका हूँ अब हम अपने मौजू के आखिरी हिस्से पर आते हैं इस महीने की जो मरवा बिदात खुरापात हो यानी जिनसे हमको बचना चाहिए वो मैं आपके सामने गिना देता हूँ कि ये वो चीज़ें हैं जिनसे हमको बचना चाहिए देखिए इस महीने में जो बिदात ख़ुराफा हैं उनमें से अक्सरियत का ताल्लुक़ पंद्रह शाबान से है माह शाबान से भी कुछ चीज़ों का ताल्लुक है जैसे माह शाबान की फजीलत में रवायतें बयान करना और इसी के अलावा इसी तरह से माह शाबान में यह कहना कि नहीं कुरान खानी भी करना चाहिए जैसे ये है ना कि आपके सामने कहा गया कि माह शाबान में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखना चाहिए तो ऐसे कुछ लोगों ने यह कहा कि नहीं ज़्यादा से ज़्यादा कुरान खानी करना चाहिए तो ये शाबान में इस तरह की बात करना ये बिदात है खुराफात है इनका कोई सबूत नहीं आदि से तो ये कुछ चीज़ें हैं जो शाबान से ताल्लुक रखते हैं कुछ बिदात लेकिन ज्यादातर बिदात का ताल्लुक पंद्रह शाबान से है यानी शाबान की जो अक्सर बिदात हैं उनका ताल्लुक शाबान की पंद्रह तारीख से है तो वो क्या क्या है वो हम आपके सामने मैं बयान करता हूँ देखिए कुछ बिदतें हैं जिनका ताल्लुक फजीलत से जैसे पंद्रह जो तारीख है शाबान की उसकी रात को एक नाम देते हैं शब बराम उसकी रात का नाम देते हैं शब बराम यह नाम तो लोगों का दिया हुआ है और फिर यह नाम दे के उस रात की बड़ी बड़ी फजीलतें बयान करते हैं तो यह बात जहन में रखें कि इस रात की फजीलत से मतलब ना तो कुरान में कोई आयत मौजूद है और ना ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस सही सनत से साबित है जो लोग शब बारात की फजलत बयान करते हैं वो कुरान भी पेश करते हैं और हदीस भी पेश करते हैं लेकिन वो कुरान की जो आयत पेश करते हैं उसका ताल्लुक शब बारत से नहीं है शब कदर से है। जैसे ये लोग क्या कौन सी आयत पेश करते हैं वो जो सरत खान के आयत है ना इन्ना अन्लाती मुबारक हमने बाबरकत रात में कुरान नाजिल किया तो कहते इससे मुराद क्या है शब बारात शाबान की पंद्रह तारीख की बाबरकत रात लेकिन कुरान ही में दूसरी जगह अल्लाह ताला ने कहा है ना कि इ ना फी हो ले फिलत कदर हमने कुरान को शब कदर में नाजिल किया और शब कदर कब है रमज़ान में तो वाजह है कि कुरान रमज़ान में नाजिल हुआ है तो जाहिर है कि जो रात में कुरान नाजिल हुआ और रात किस में होगी रमज़ान ही में होगी तो कुरान की आयतें ही बता रही हैं कि शब कदर रमज़ान में है और रमज़ान में कुरान नाजिल हुआ तो पता चला कि जिस आयत में कहा गया इन्ना जन्ना फीले लेते मुबारक हमने कुरान को बाबरकत रात में नाजिल किया तो इस बाबरकत रात से मुराद शब कदर ही है वह कदर की रात है बरकत की रात भी है तो ये शाबान में कुरान नहीं उतरा अच्छा कुछ लोगों ने इसका एक जवाब भी तैयार करके रखा है जब आप उनसे कहेंगे ना कि भाई कुरान में तो दूसरी जगह ये है कि रमज़ान में कुरान नाजिल हुआ तो क्या कहेंगे कहेंगे हमने कब उसका इनकार किया रमज़ान में नाजिल हुआ कुरान लेकिन शाबान में भी नाजिल हुआ दो बार नाजिल हुआ वो कहेंगे दो बार नाजिल हुआ तो ये तो दावा करेंगे लेकिन इसका सबूत नहीं है समझ तो आप खुश ना हो जाए कि हम कुरान की वायद पढ़ देंगे तो ये लोग चुप हो जाएंगे चुप नहीं होंगे ये कहेंगे हम मानते हैं उस बात को बस ये है कि ये कुरान दो बार नाजिल हुआ एक रमजान में और एक शाबान में शब कदर में एक बार नाजिल हुआ एक बार शब बारात में नाजिल हुआ तो हमको ये कहना है कि शब कदर में नाजिल हुआ तो कुरान में लिखा हुआ है और शब बरात में ये हुआ ये नाजुलआ यह कहा अगर ये ले लेते तो मुबारक वाली रात अगर ये ले लेते ले तो मुबारक वाली आयत में तो कहें इसमें तो वाजे नहीं है क्लियर नहीं है। इसमें तो एक थोड़ी है कि ये शाबान की रात है तो इसका सबूत आप उससे मांगेंगे तो इसमें अगर कोई आदमी कम पढ़ा लिखा है कम उसका मतलब है तो एक रवायत भी उनके सामने पेश कर देंगे एक रवायत भी है अब्दुल्ला इबन अब्बास रजी अल्लाह के नाम से बयान की जाती है कि उसमें यह है कि लत मुबारक से मुराद शाबान की पंद्रहवीं रात तो ऐसे एक रवायत भी पेश कर देंगे लोग लेकिन वो रवायत क्या है ज़ईफ़ है वो सही रवायत नहीं है इसके बरक्स मुस्तदरक हाकिम में इब्न अब्दुल्लाबिन रजील्ल्ला तीस सनत से रवायत मौजूद है जल नंबर दो सफ़ा नंबर चार सौ सतासी सही सनद से जो मुस्तदरक हाकिम की रवायत है अब्दुल्लाबिन अब्बास की उसमें वो फरमाते हैं कि इन ना अनजिल्लाउँ फ़ी लति मुबारका कि मुबारका जो है रात है उससे मुराद श शब कदर है यानी लई लत क़र ये अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी उनकी तफसीर सही सनत से मुस्तरक हाकिम में मौजूद है कि लई लत मुबारक से मुराद शब कदर है तो एक रवायत और भी है वो भी अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी के नाम से कि लई लति मुबारक से मुराद ये शाबान की पंद्रहवीं तारीख तो वो रिवायत सही नहीं है उसके मुकाबले में सही रवायत जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ मुस्तरक हाकिम की वो भी रवायत किससे है अब्दुल्ला बिन अब्बास और सही रवायत है उसमें बहुत ही वाज तौर पर है कि इन ना नंलत ले मुबारक यानी ले अब्दुल्ला बिन अब्बास रज फरमाते हैं कि अल्लाह ने जो ये कहा है कि हमने कुरान को बाबरकत रात में नाजिल किया है इस बाबरकत रात से मुराद शब कदर है तो ये सही तफसीर है अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह रजील्ला इनके नाम से अगर कोई झूठी रवायत पेश करता है तो उससे होशियार रहना उससे धोखा खाना तो ये कुरान से कुरान से ये फजीलत बयान करते थे ना उस पर मैंने बात किया कि पंद्रहवीं रात यानी शब बरात की फजीलत कुरान से दे देते थे वो इसके अलावा हदीसें भी पेश करते तो ये सारी हदीसें ज़ईफ़ हैं जैसे पंद्रह शाबान को शब बरात में अल्लाह ताला दुनिया के आसमान पर नज़ूल फरमाता है अल्लाह तला उतरता है इस रात में खूसी तौर पे तो ये चीज़ साबित नहीं है रात के आखिरी पहर में नज़ुल होता वो वो तो एक अलग रवायत है लेकिन ये कि इस रात में यानी शुरू ही से अल्लाह तला नाजिल होता है इस रात में तो इस ताल्लुक से जितनी भी रवायतें हैं उसमें से कोई रवायत साबित नहीं है ठीक है तो ये शब बरात की फजीलत के ताल्लुक से कुछ बातें जो लोग बयान करते हैं या मानते हैं उसकी वजहत मैंने आपके सामने रखी इसके अलावा अगर हम आमाल की बात करें कि पंद्रह तारीख को जो ये लोग आमाल जो इबादतें करते हैं तो उसका भी एक सिलसिला है मैं चंद आपके सामने ऐसे ही सरसरी तौर पर रख देता हूँ एक इबादत इन लोगों ने बनाई जिसका नाम है सलात अल्फिया सलात अल्फिया सलात माने नमाज अलफिया यानी हज़ार हजारी नमाज इसको बोलते हैं हजारी नमाज और इसमें ये लोग क्या करते हैं कि सौ रकात पढ़ते हैं हर रकत में दस बार कुल्ला अहद पढ़ते हैं तो ये चीज़ भी किसी सही हदीस से साबित नहीं है सलात अल्फिया सलात अलफिया यानी एक अलग से नमाज़ अपनी तरफ से बढ़ा, बढ़ा लिया अस्त जब अल्लाह तबारक ताली ने बुखारी की हदीस से अपने नबी सल्लम को पचास वत की नमाज़ दिया और लेके वापस आ रहे थे तो रास्ते में मूसा सलाम मिले पूछा क्या मिला कहा पचास वत की नमाज़ कहा यह तो नहीं कर पाएगी तुम्हारी उम्मीद क्या करो कम कराओ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर गए और कम कराया तो पचास किया कितना हो गया चालीस वापस आए तो फिर मूसा रास्ते में मिले और फिर मशौरा दिया कि नहीं अभी फिर से जाओ अभी बहुत ज्यादा है ऐसे कई चक्कर हुआ और आखिर में पांच वक्त की नमाज लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए मूसा ने पूछा कहा कि अब पांच कर दी गई कहा अब भी ज्यादा एक बार और चले जाओ मूसा ने क्या कहा, कहा अब भी ज्यादा है एक चक्कर और चले जाओ थोड़ा और कम करा लो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब मैं नहीं जाऊंगा इतना ही बहुत है और कोशिश करूंगा कि मेरी उम्मत जो है इस पे अमल कर ले जाए जो मशवरा दिया था मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला नहीं कहा कि गलत है हाँ बहुत है मतलब ये इबादतें बहुत हैं कम होना चाहिए एक नबी कहता है ये इबादतें कम होनी चाहिए और आज की वदत ही अपनी तरफ से और नवाजें बढ़ा रहे हैं सलाते अलफिया ला के ऐड कर रहे हैं उसमें अरे भाई पाँच वत की नमाज क्या कम है या दो नबी बैठ के मशवरा कर रहे हैं यही जब बहुत ज्यादा हो गया कुछ कम होना चाहिए और आज का मौलवी कहता नहीं सलाते अलफिया भी पढ़ो साथ में और बढ़ा रहा अपनी तरफ से शर्म नहीं आती तो ये मामला है इनका तो जितनी नमाज है उतना ही पढ़ लो भैया बहुत है अपनी तरफ से नमाजें मत बनाओ अपनी तरफ से ईजाद मत करो ऐसे एक और अमल आप देखेंगे इनके यहाँ सूरह यासिन की तिलावत इस रात में सूर्य यासन की इसका भी कोई सबूत नहीं ऐसे एक और चीज़ जो बहुत वाजह तौर पर आप देखते हैं शाबान की पंद्रह तारीख को कब्रों की ज्यारत कब्रों को सजाना जियारत करना इस ताल्लुक से एक रवायत भी है सोन तिरमिजी में लेकिन सोन तिरमिजी में रवायत नकल करने के बाद इमाम तिरमिजी रहमुल्ला ने ख़ुद अपने उस्ताद इमाम बुखारी रह का कौन नकल किया है ये रवायत सही नहीं है यह रवायत ठीक नहीं है यानी यह रवायत खुद सही नहीं है काबिल अमल नहीं है वो रवायत ठीक नहीं है भाई उस रवायत काबिल है अच्छा कुछ लोग यहाँ पे ये यह कहने लगते हैं कि जब यह रवायत ज़ैफ़ है तो लिखा क्यों उसमें हालांकि अब हम, हम तिर्मिज़ी ने लिख के आखिर में बता दिया है कि ये ठीक नहीं है कहते हैं लिखा क्यों अरे भाई वो आवामी किताब नहीं है तिर्मिज़ी सुनन तिर्मिज़ी वो तो उलमा के लिए है और सामने जब उलमा डिस्कस करते हैं तो उसमें सब रहता है कि सही क्या है ज़ईफ क्या है सारी चीज़ें उनके सामने आनी चाहिए ताकि वो लोगों की रहनुमाई करें तो वो अवामी किताब नहीं है जो हदीस की किताब है ना सनत तिरमिज़ी वगैरह या कुतुब सत्ता यह अवामी किताब नहीं जैसे लोगों ने फज़ा अमाल बना के रखा ना आप पब्लिक के लिए ले जाओ पढ़ो सब तो ऐसे ही हदीस की किताबें पब्लिक के लिए नहीं लिखी गई हैं कि कोई भी उठा के पढ़े उसको ये उलमा के लिए कि उलमा पढ़ेंगे और फिर यहाँ से कोई नतीजा निकालने के बाद क्या सही है क्या ईफ़ है फिर वो अवाम के सामने पेश करेंगे ऐसे आवाम के लिए एक किताब है रियाज रियाजालिन इमाम नबी रह ने लिखी है ये किताब है अवाम के लिए लेकिन ये हदीस की बड़ी बड़ी किताबें ये आवाम के लिए थोड़ी लिखी गई हैं तो ये जो बंदा कहता है ना कि लिखा क्यों जहीफर थी तो लिखा क्यों अरे भाई आपके लिए थोड़ी लिखा है क्या पढ़ के कन्फ्यूज़ हो जाओ ये तो उलमा के लिए है अभी जैसे कोई जो है मेडिकल बुक्स होती हैं किताबें होती हैं तो उसमें तो ये भी लिखा रहेगा ना कि इस दवा का सही असर क्या है इसका गलत असर क्या है इसका ये क्या ये क्या यानी कौन सी दवा फ़ायदा पहुँचाती है कौन सी दवा नुकसान पहुँचाती है तो अब कोई नुकसान वाली जो दवा कोई एक जाहिल आदमी जाके मेडिकल बुक लेके और कोई ऐसी दवा जो नुकसान दे हो उसे इस्तेमाल करे हो कहे कि भाई तो ये दवा दवा तो नुकसान दे तो वाले नुकसान दे तो क्यों लिखा उसमें तो डॉक्टरों के लिए ना सबके लिए थोड़ी कि सब आदमी जाके पढ़ के अपनी तरफ से दवा सेलेक्ट करने लगे तो ऐसे ही जो हदीस की किताबें हैं वो उलमा के लिए है और आवाम उलमा के जरिए फिर आवाम तक जाएगी यानी अब उलमा की जिम्मेदारी है कि आवाम तक ये पहुंचाएं और आवाम के लिए भी किताबें लिखी गई हैं तो ये कुछ उल, कुछ किताबें जो उलमा की लिखी गई हैं तो आवाम ये एतराज़ ना करे ये जयीफ क्यों रख दिया भाई वो आपके लिए नहीं है आप क्यों इतराज़ करें वो तो ये जहन में है ना कि उलमा इसको पढ़ेंगे तो सही क्या है क्या वो समझ जाएंगे और जो किताबें आवाम के लिए लिखी जाती है उसमें इस बात का ख्याल किया जाता है कि कोई ज़यीफ़ ना हो ताकि एक आम आदमी जब पढ़े तो कन्फ्यूज़न का शिकार ना हो तो ये रवायत जो है ना कि ज्यारत वाली कब्र की ज़ियारत वाली ये रवायत सही नहीं है पंदरा शाबान के ताल्लुक से जो सनन तिर्मिज़ी वगैरह में है एक और बड़ी अजीब व गरीब बात ये लोग कहते हैं कि पंदरा शाबान को जो फौत हो गए इस दुनिया से चले गए उनकी रूहें आती हैं उनकी रूहें यानी आत्मा है पंद्रह शाबान को आत्माएं आती हैं रूहें आती हैं ये हिंदुओं का एक अकीदा है ना कि जो आदमी बिस्तर पर नहीं मरता है हो सकता है मैं इधर उधर से पढ़ के मैं नकल कर रहा हूं हो सकता है ये बात सही तौर से बयान ना कर सकूं क्योंकि जाहिर है तो कि, कि हिंदू मजहब की किताबों का माहिर ही है लेकिन लोग बयान करते हैं कि उनके यहाँ यह अकीदा होता है कि जो आदमी फितरी मौत नहीं मरता है यानी बिस्तर पर नहीं मरता है एक्सीडेंट हुआ कुछ हो गया तो उसकी आत्माएं भटकती रहती उसकी रूहें भटकती रहती हुँ? तो उसका उनके यहां एक प्रोसीजर होता है उसको ठिकाने लगाने का रूहों को तो इस इस्लामी अकीदे में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि मरने के बाद किसी की आत्मा भटकती रहती है ना आदमी मर गया खत्म उसका जिसम उसका रूह सब यहां से रुखसत अब यहां कुछ नहीं बचा है ये जिसम हम मिट्टी के हवाले कर देंगे और रूह तो पहले से जा चुकी है तो ऐसा नहीं कि है कि आत्माएं भटकती हैं रूहें भटकती हैं यह गलत बात है तो पंद्रह शाबान में एक अकीदा यह है लोगों का कि रूहें जो है आती हैं घूमने टहलने आती हैं हमारे घरों में बल्कि बाद लोग तो उनके मनपसंद खाना भी बनवा बन के रखते हैं कि अगर किसी के अब्बा फौत हो गए तो आज आएंगे और तो क्या क्या खाते थे बना के रख दो मैं गुलबर्गा में रहता था तो कुछ लोग बीड़ी सिगरेट भी रखते थे कि अब्बा पीते थे रख लो अभी आएंगे पियेंगे बीड़ी सिगरेट भी रख देते थे बेवकूफ़ कहेंगे थे। तो ये कोई नहीं आता होता भाई देखिए कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है सूर मोमिन में अमरा बर जखन य जो इस दुनिया से चला गया अब इस दुनिया और जहां भी हो गया है बीच में एक आड़ है कब तक क़यामत तक एक पर्दा है पर्दे के उस पार चला गया है वो अब इधर नहीं आ सकता एक रिवायत है कि सोन तिरिमिजी की कि जा भी रजील्ला के वालिद अब्दुल्ला रजी शहीद हुई तो अल्लाह तला ने कहा कि तमन्ना कि बंदा मांग क्या मांगता मैं दूंगा अल्लाह तहीद की रूह से क्या कहा कि तू मांग क्या मांगता है मैं तुझे दूंगा जैसे पहले बादशाहों का दौर होता था तो बादशाह क्या कहते किसी से खुश होते तो क्या बोलते थे मांग मुंह मांगा इनाम दूंगा मांग क्या मांगता है अता किया जाएगा तो अल्लाह ताला कहता है अच्छा जब बादशाह बोले ना कि मांग क्या मांग अता किया जाएगा तो हो सकता है सामने वाला कह दे पूरी हुकूमत दे दे तो देगा नहीं देगा तो ऐसा नहीं कि बादशाह उसकी मांग पूरी कर देगा लेकिन अपने जोश में अपने बड़कपन में बोल देता मांग क्या मांग अता किया जाएगा लेकिन अल्लाह अगर कहता है कि मांग क्या मांग तो कुछ भी मांग ले वो है बोले पूरी दुनिया चाहिए तो हजारों दुनिया बना के दे सकता है अल्लाह तला क्या मांगेगा वो तो अल्लाह तबार अहकमुल हाकिमीन कह रहा है अपने बंदे से कि तुझे शहादत नसीब हुई है मांग क्या मांग है मांगता है मैं दूंगा तो अब्दुल्ला रजी अल्लाह ने क्या मांगते हैं पता कहते हैं कि दुनिया में वापस भेज दे मैं दोबारा दुनिया में चाहता हूँ दोबारा तेरी राय में जो है शहीद होना चाहता हूँ तो अल्लाह तला ने क्या कहा, कहा? सब कमिन अन्न हम इले ये तुने क्या मांग लिया ये तो नहीं मिल सकता क्योंकि मेरा ये पहले फैसला हो चुका है कि जो यहां आ गया वो वहां नहीं जा सकता यानी हमारे कानून के खिलाफ तूने मांग कर दी है यानी कानून के खिलाफ मांग कर रहा है जबकि अल्लाह ताला कह भी चुका था कि तुझे दूंगा मांग क्या मांगता है यानी एक शहीद ने मुताबा किया कि दोबारा दुनिया में भेज अल्लाह ने रिजेक्ट कर दिया था ना ये तो नहीं पूरा किया जाएगा ये तो हमारे कानून के खिलाफ तेरी मांग है राज का मल बड़ी आसानी से कहता कि नहीं सब टहलने आएंगे घूमने आएंगे रूहें आएंगी कोई नहीं आता पता भाई ये सब जिहालत की बातें किसी की रूह नहीं आती है। मरने के बाद रूहों का मामला एक जगह है अली इन और एक जगह है सिज्ज इन वहाँ पर रूहें रहती हैं वहाँ से किसी को छुट्टी नहीं कि यहाँ आके घूमने टहलें सनम तिरमिजी की एक रवायत है कि अली इन में जहाँ जन्नतियों की रूहें होती हैं वहाँ जब कोई नया आदमी फौत होता है और उसकी जब रूह आती है तो पहले से जो रूहें हैं ना वो क्या पूछती हैं वो कहती हैं कि वो फला आदमी कैसा है जैसे ना पर किसी ज़माने में टेलीफोन वगैरह नहीं होता था तो गांव से कोई आता था तो यहाँ के लोग उसको घेरते थे पूछते थे फलानवा कैसा है दफा कैसा है हालचाल चाल पूछते थे बैठ के चलो घेर के अभी तो टेलीफोन वगैरह कौन किसको पूछता है लेकिन पहले पूछते थे ना क्या हाल है गाँव का तो ऐसे इलीन में जब कोई नया आदमी जाता है मर के तो जो पुरानी रूह है ना जो पहले फौत हो चुकी हैं वो आके उसको घेर लेते हैं पूछते हैं कि भाई फला आदमी का जैसे कोई बेटा है तो पूछेगा मेरे अब्बा का क्या हाल है कोई अब्बा है तो मेरे बेटे का क्या हाल है फला का क्या हाल है पूछते हैं सवाल करते हैं तो उस रिवायत में आगे है कि एक आदमी के बारे में लोग पूछते हैं तो वो नई रूह जो कहती है वो कहती कि उसके बारे में तुम पूछ रहे हो तो मुझसे पहले मर चुका है वो तो मुझसे पहले मर चुका है मैं उसके बारे में क्या बताऊँ वो तो तुम लोग बताओ तो वो लोग कहते हैं कि नहीं वो तो इधर नहीं आया इसका मतलब वो वहाँ गया जो जहन्नमियों की रूह है वहाँ पर चला गया इधर तो नहीं आया तो इस रिवायत से भी क्या पता चलता है इससे पता चलता है कि रूहों को नहीं पता यहां क्या हो रहा है एक आदमी मर के जब जाता है तो उससे इंफॉर्मेशन लेती है रूहें कि क्या हो रहा है और ये इन लोगों का मान कि हर पंद्रह तारीख को घूमने टहलने आते हैं तो नए आदमी से पूछते कि क्या हो रहा है पूछते कि क्या हो रहा है ये अजीब वरीब अकीदा बना के रखा वो भी हिंदुओं का जो है अकीदा अपना के रखा है कि रूहें टहलने आती घूमने आती पुराने जमाने में जब इल्म कम था उलमा कम थे और छोटा छोटी मोटी किताब पढ़ के आदमी अल्लामा टोपी लगा के बैठा रहता था हाँ सबसे बड़ा जो है मौलाना दिखता था अरे देखिए भाई साहब टोपी लगाए तो ऐसे टोपी वोपी लगा के और ड्रेसिंग मार के वो अपने आप को मुफ्ती बन के बैठा रहता था तो सबसे बड़ा मसला पुराने ज़माने में खाने का होता था इसलिए जो विदेता याद करते थे ना उसका एक गहरा कनेक्शन है खाने पीने का आज के ज़माने में अगर विदेतियों को छूट मिले तो ये खाने पीने का देखिए बदतियाँ आज के ज़माने में जो बदतें भी मॉडर्न हो गई ना ना ऐसी बद्यतें ईजाद की जा रही हैं जिससे पैसा है आज के ज़माने में पुराने ज़माने में ऐसी बदतें ईजाद की जाती थी जिससे खाना है क्योंकि पुराने जमाने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम खाने का था बाकी रहने का कोई प्रॉब्लम नहीं है घर का किराया नहीं देना है कहीं भी आप छप्पर बांध के रहना शुरू कर दो बहुत सारी ज़मीन है लाइट का बिल नहीं देना है पानी का बिल नहीं देना है ट्रेवलिंग का कोई खर्चा नहीं गधा है काफ़ी घूमते रहो उस रहोपे बैठ के आए कोई बीमार हो गया लोकल हकी माँ कुछ दे देगा कोई नुस्खा कोई खर्चा ही नहीं था प्रॉब्लम था सिर्फ खाने का बाकी एक्स्ट्रा कोई खर्चा नहीं था इसलिए उस जमाने में जो लोग खाने पीने जो बिदतें बनाते थे ना उसको लिंक करते थे खाने से किस बहाने खाना है तो ये जो है ना कहते थे तो रूहें आएंगी तो उसके चक्कर में क्या बनवाते थे खाना खाना बनाओ तो खाना जो रखा था ना तो रूह पता नहीं कब आके चलेगी ये समेट को लेके जाता था कोई मौलवी जो मियाँ फकीर होता था ना लोकल फकीर जो होता था वो समेट के ले जाता था अपने घर तो अपना खाने के लिए ये सब बना के रखा लेकिन आज के जमाने में देखिए जो ही जाती थी हाँ कबरों पर हो नोट फेंको पैसा चढ़ाओ ये चढ़ाओ तो अब इन लोगों ने थोड़ा सा चेंज कर दिया है बदतों को सिस्टम बदल दिया है अब खाना तो हर घर में रहता है ना खाना लेके क्या करेंगे नहीं अब पैसा चाहिए पैसा तो आप इसको कभी नोटिस करेंगे ना तो देखेंगे कि आज की बदतें अलग अंदाज से ईद हो रही हैं जिससे रुपये आए पैसा आए दौलत आए हैं तो खजाना मिले इस तरह की विद्यतें भी ईजा हो रही हैं वो खाने वाली विद्यतें अब खत्म अब नए नए इस दौर में कोई नहीं ईजाद करता है और ये भी बहुत जल्दी सब खत्म हो जाएंगी ये ये जो अकीदा है ना रूहें आती हैं ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा अब इसकी ज़रूरत नहीं इन लोगों को पेट भरा हुआ है सबका अब ऐसे अकीदों की ज़रूरत नहीं है अब नए नए दूसरे बिदतें आएँगी इनकी ऐसे ही एक और चीज़ है आतिशबाजी पड़ाके वगैरह फोड़ना तो इसकी भी तो कोई गुंजाइश नहीं इस्लाम में चाहे शाबान हो चाहे कुछ भी हो एक और चीज़ है हलवा खोरी मीठा खाना मीठा हाँ इसमें कुछ लोग कहते हैं कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत शहीद हो गए थे इसलिए हम जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलवा खाया था तो हम भी खाते हैं हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि शाबान के महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत शहीद हुए थे इसका कोई सबूत नहीं और कभी मान लीजिए कि शहीद हुए दांत खाया भी तो इसका ये एक कौन सा तरीका है कि आप भी जो है उस दिन में उस दिन को यादगार बना के आप हलवा खाएं साहब ग्राम ने तो ऐसा नहीं किया साब ग्राम ने तो ऐसा नहीं किया कि उस दिन को यादगार बनाएं कि आप सलासलम को कोई किसी ने तकलीफ पहुंचाई उसको आप बैठ के याद करें ये अच्छी चीज नहीं है तो ये कुछ बिदतें थीं जो मैंने आपके सामने सरसरी तौर पे जिक्र किया है कि ये बिदात राइज है हमारे माशरे में पंदरा शाबान को यह बिदात जो है ज़ोरों पर होती है अब तो इन इन बिदतों का भी जोर टूट रहा है ये बिदतें खत्म हो रही हैं इंशाल्लाह एक दिन सब खत्म हो जाएंगी क्योंकि बिदत जो है बिदत की एक उम्र होती है कुरान ने कहा ना कि जाल हक व ज़हक अलबातिल इन अलबातिल काना जहूका कि जब हक आता है तो बातिल मिट जाता है बातिल मिटने ही के लिए आता है कोई भी बिदत जो है क़यामत तक नहीं रह सकती आप देखेंगे जो सुन्नत है जो इबादत है जैसे नमाज है रोज़ा है ये नबी के दौर से आज तक कायम है अब बिदतों के बारे में आप तहकीक करेंगे तो उसका सिलसिला नबी तक नहीं पहुंचेगा कभी ईजाद हुई है तो और कितनी बिदतें सौ साल तक चली कोई दो सौ साल तक चली कोई तीन सौ साल तक चली तो एक उनकी शुरुआत होती है और एक एंडिंग होती है बिदत शुरू होगी ख़त्म होगी हमेशा बिदत नहीं रहेगी लेकिन जो सुन्नतें हैं वो हमेशा रहेंगी ये सुन्नत और बिदत का ये फ़र्क होता है कि बिदत वक्ती तौर पर है जिस दिन बिदत का टकराव सुन्नत से होगा उस दिन बिदत पाश पाश हो जाएगी तो पुराने ज़माने में जि थी ये चल रही थी आज इल्म की रोशनी है आज इन बदतों की कोई हैसियत नहीं आज इनसे सुन्नतें टकरा चुकी हैं अब इन ये विद्यतें पाच पाश हो जाएँगे ये अब टिक नहीं सकती हैं तो ये कुछ पुरानी बिदतें थी जिनमें बहुत सारी ख़त्म भी हो चुकी हैं और ख़त्म हो रही हैं लेकिन हमारे समाज में कहीं ना कहीं इसका जिक्र होता रहता है लोग कुछ लोग इस पर ईमान रखते हैं जिनके पास इल नहीं है तो इसलिए मैंने ये वजाहत कर दिया सरसरी तौर पर कि इससे हमको बचना चाहिए दूसरों को बचाना चाहिए खुलासा ये कि आज के मौजू के थे तीन चीज़ें आपके सामने रखी गई हैं एक माह शाबान की फजीलत दूसरा माह शाबान की इबादत और तीसरा माह शाहबान में राइज राइबिदात फजीलत के बारे में आपको बताया गया कि बंदों के अमाल अल्लाह की, अल्ला की बारगाह में इस माह में पेश होते हैं ये इसकी फजीलत है इबादत के बारे में आपको बताया गया कि इस महीने जो खसूस इबादत हम कर सकते हैं वो है रोज़े और ये करती करते क्या 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 ख्याल रखना वो भी आपको बता दिया गया और तीसरे हिस्से में आपको बताया गया है कि इस महीने की जो भी विदायात और खुरा हैं उनसे हमको खुद बचना है दूसरों को बचाना है अल्लाह ताला हम सबको किताबो सुन्नत की रोशनी में जिंदगी गुजारने की तौफीक दे आमीन अरब असल वरुम वर्क